बड़े बेआबरू होके तुम्हारे कूचे से हम निकले, वो वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होती है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए महिलाओं के साथ जो अन्याय किया है, 1500 रुपए की घोषणा करके हर घर में अगर 4 बहनें हैं तो उन 4 बहनों को 1500 रुपए देने का वादा किया, और उस वादे को बहने, क्योंकि हिमाचल की जो जनता है वो भोली भाली है, वो भी उस झांसे में आ गई। और सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार, उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री जी जो कि उप मुख्यमंत्री के पद पर है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर महिलाओं को लुभाया। और आज मुझे बड़ा अफसोस है, 7 महीने के बाद भी 22 लाख बहनें इंतजार कर रही हैं उन 1500 रुपए का। मैं भी उसमें एक, अगर आप बहनों को देना देना चाह रहे थे तो हम बहनें भी उसमें आती हैं। आपने झूठे करारे कोरे वादे जो किए उससे जनता आहत है, और हमारी हिमाचल की बहनें मन से इस बात को समझ चुकी हैं कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है, कांग्रेस लोगों को बरगलाती है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि हिमाचल की सारी बहनें एकजुट हो जाएं और इस कांग्रेस को सही तरीके से समय आने पर जवाब दें, क्योंकि 1500 रुपये अभी तक किसी बहन के खाते में नहीं आए हैं, जो बड़ा अफसोस है। अरे देखिए, इनकी प्रभारी आई थी अलका लांबा जी, हमारी हिमाचली परिधान पहनकर बहुत बड़े बड़े दम और बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने कि बहनों आप कांग्रेस को लाओ, 1500 रुपए हम आपके खाते में डालेंगे। और आपको मालूम है इन्होंने क्या किया? कुछ जगह इन्होंने फॉर्म भराए नकली, और कुछ लोगों के खातों में 1500 रुपए भी डाले ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये 1500 रुपए अवश्य देंगे। और हमारी भोली भाली जनता फ्रीबीज के चक्कर में आ गई, क्योंकि जितना काम जितनी तरक्की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है, जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में हुई है, उतनी तो कांग्रेस कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। और कल्पना तो इनके बस में भी नहीं है, क्योंकि जो झूठे वादे इन्होंने किए हैं वो एक अन्याय है महिलाओं के साथ, अत्याचार है महिलाओं की भावनाओं के साथ, और इन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला किया।